Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों सरकार पर हमलावर हैं। मुद्दा कोई भी हो वो सरकार को जवाब देना नहीं भूलते। अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने ईडी सीबीआई का जिक्र किया है। उनका दावा है कि ईडी संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद उन पर छापेमारी करने की प्लानिंग कर रहा है। उनका दावा है कि इस बारे में उन्हें खुद ईडी के ही इंटरनल लोगों ने बताया है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। मैं बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। बता दें कि 29 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब हमला बोला था। उन्होंने सदन में देश के किसान, मजदूर, युवाओं का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग डरे हुए हैं। इतना ही नहीं, नेता विपक्ष ने 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह बनाए जाने का भी जिक्र किया था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा कर ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। अब राहुल गांधी का दावा है कि उनके इसी भाषण की वजह से उन पर छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। राहुल के इस पोस्ट पर रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने तो रिएक्शन देते हुए उन्हें झूठा नैरेटिव बनाने वाला और झूठ की खेती करने वाला बता दिया। किसने ईडी को भेजा, कहां भेजा, बिना सबूत का सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठा एलओपी आज तक नहीं बना है और ये दुर्भाग्य है भारत। वो अपनी जात बचाने के डर से ऐसा बयान दिए हैं। अभी भी हम पूछते हैं उनसे कि राहुल गांधी, आप जाति जाति चिल्ला रहे हो, जाति तो आपके दादाजी नेहरू, दादी जी इंदिरा जी, पिताजी राजीव गांधी, इन लोगों ने पिछड़ों के साथ धोखा किया, आज जाति की बात कर रहे हो। मैं भी पूछता हूं, आप बताओ आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, राहुल गांधी बता दो। इसी से शर्मिंदित होकर के ये अब नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। उनका कहना है कि चुनाव में जो बीजेपी को ठोकर लगी थी, उसकी वजह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। चक्रव्यूह वाला बयान दिया है। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक बोला है, ये बीजेपी के डीएनए में तानाशाही है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनके ऊपर राजनीतिक हमला करे, कोई आवाज उनके पाप के खिलाफ उठे, उनके आतंक के खिलाफ उठे। राहुल गांधी के रूप में देश पहली बार 15-20 साल बाद, शायद मुझे तो याद नहीं पड़ता, इतना सशक्त नेता विरोधी दल देख रही। क्यों, संसद के बाहर बोलने में मनाही? ईडी क्या संसद में आएगी? ईडी या कोई कार्रवाई करेगी या तो संसद की अनुमति लेकर करेगी, अंदर करेगी। जो वो बोल रहे हैं उसमें कितना दम है, ये तो बात का जवाब दें आने वाले दिन दे देंगे, पता लग जाएगा सच्चाई क्या है। और आप बोलने के अधिकार को भी रोकोगे नेता विरोधी दल के? अब राहुल के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज तक।